हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारे 75 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 23। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वर्कआउट। सो सबसे पहले करेंगे 5 मिनट्स की स्ट्रेचिंग। सो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आप रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। एंड सो गाइस, आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम लोअर एब्डोमिनल के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो लोअर टमी है वो कवर होगा। बिकॉज सिजेरियन के बाद या फिर मतलब जब भी हम बेबी डिलीवर होता है, चाहे सिजेरियन के थ्रू हो या नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो, तो हमारा फीमेल्स का जो है लोअर एब्डोमिनल काफ़ी जो है ना लूज़ हो जाता है। तो ये हम उसी के लिए ही वर्कआउट करेंगे। एंड गाइस, ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक एक दो दो घंटे का वर्कआउट करें। भले ही आप 30 मिनट्स का करें, 25 मिनट्स का करें या फिर 20 मिनट्स का करें, लेकिन ऐसा वर्कआउट करें कि जो इफ़ेक्टिव हो, कि मतलब आपके फुल बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव हो एंड जहाँ जिस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हो वहाँ के लिए इफ़ेक्टिव हो उस बॉडी पार्ट के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अपना डाइट पे मेन फोकस रखिए एंड वर्कआउट करते रहिए, तो आपको अपना जो है गोल जो आप चाहते हो वो अचीव ज़रूर होगा। एंड गाइस, अपने लिए खुद के लिए चैलेंजेस बनाइए कि आपने इस दिन ये नहीं खाना है, ये खाना है एंड इतनी देर वर्कआउट करना है, थ्रू आउट द डे आपने ये चीज़ें खानी है। तो उससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस ईजिली होगा। एंड गाइस, ज़रूरी नहीं कि आप कैलोरी काउंट कर कर ही खाएं, कि वैसे तो आजकल देखिए आप अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको अपना BMR अगर आप चेक करना चाहते हो तो वहाँ चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके वेट के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली, तो आपको वहाँ पर आपका मिल जाएगा पूरा चार्ट कि आपने कितना जो है कैलोरीज इनटेक करनी है एंड वेट लॉस करने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए कितनी करनी है और एक्सट्रीम वेट लॉस करने के लिए कितनी करनी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जो है थ्रू आउट द डे अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। और अगर आप कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते तो एक पर्टिकुलर बोल आप अपना मेजर करके रखिए कि आपने इतना ही बोल सब्जी खानी है एंड 1 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है या राइस इतने खाने हैं एंड विदाउट शुगर, विदाउट जैगरी। मतलब आप अगर जैगरी यूज़ करना चाहते हैं तो जैगरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि विदाउट जैगरी विदाउट शुगर चाय लेती हूँ, बट हाँ मैं एक टाइम ज़रूर चाय लेती हूँ। जैसे समर्स आ गए तो मैंने 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें गाइस क्या होता है ध्यान रखनी होती हैं अगर आपको फिट रहना है। एंड आज के टाइम पे तो गाइस देखिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मोटे हो ना तो आपको 100 तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। तो बेटर है कि फिट रहिए, हेल्दी खाइए एंड अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए। ऐसा नहीं है कि आप अनहेल्दी खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, अपना एक दिन जो है ऐसा बना के रखिए कि आपने चीट डे करना है, लेकिन उसमें भी पोर्शन कंट्रोल रखना है गाइस। ये नहीं कि आप एक भगोनिया भर के जो है ना, मतलब जिसको कहते हैं पतीला भर के आप चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो चीट डे वाले दिन, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपना जो है ना डाइट अपने खुद ही कंट्रोल रखनी है, कोई और आपकी डाइट को कंट्रोल नहीं रखेगा। तो कंट्रोल रखना अपने खुद के हाथ में ही होता है हर एक चीज़ का। वर्कआउट करते रहिए एंड हेल्दी डाइट फॉलो करिए, तो आपका जो है वेट लॉस ज़रूर होगा गाइज। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस नहीं होगा। होप कि आप लोगों के लिए मेरे ये चैलेंजेस वाली वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी एंड आपको मज़ा भी आ रहा होगा वर्कआउट करने में। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं आपके साथ चेक करूँगी आज की अपनी फुल डे की डाइट।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज की मेरी फुल डे की डाइट क्या रही। सो मॉर्निंग मैंने यहाँ पे चेजिंग वाटर लिया था जो कि मेरा फिक्स हो चुका है अभी कुछ दिनों से, एंड जो कि मैं ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ एंड मॉर्निंग में इसको लीक वॉर्म कर लेती हूँ। देन ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे हाफ एप्पल की स्मूदी बनाई थी जिसमें मैंने बनाना इंक्लूड नहीं किया था एंड 9 एलमंड्स डाले थे एंड 2 डेट्स। तो रेजिन्स नहीं डाले था गाइस बिकॉज रेजिन्स ना थोड़ा हाई इन शुगर होता है तो इसलिए रेजिन्स मैंने अवॉइड करे। लंच में मैंने यहाँ पे ग्वार फली जो होती है ना उसकी सब्जी ली थी एंड जिसमें मैंने पटेटो भी डाला था लेकिन मैंने अपनी प्लेट में पटेटो नहीं लिया था, ऑलमोस्ट 1 या 2 पटेटो होंगे। साथ में मल्टीग्रेन रोटी ली थी, खीरे का सैलेड लिया और साथ में जो है अपनी फेवरेट समर्स की छाछ ली थी। सो ये है हमारा आज का लंच गाइस। देन मैंने इवनिंग में ना एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो उस भूख को मिटाने के लिए मैंने यहाँ पर सैंडविच बनाया था जिसमें मैंने टमाटर डाला था, खीरा डाला था, प्याज और पनीर का स्लाइस और चीज़ स्लाइस। गाइस मैंने इसमें किसी भी तरीके की मेयोनीज या चटनी यूज़ नहीं करी है, बिल्कुल प्लेन सिंपल बनाया था जो कि इतना टेस्टी बना था तब भी एंड ये काफ़ी फिलिंग होता है। अगर आपको भूख लगती है इवनिंग में तो आप इस तरीके का भी ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी हेल्दी होता है। बारे डिनर में तो डिनर में मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली थी गाइस जो काफ़ी यमी लगती है मुझे, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट दाल है। साथ में गाइस आप देख सकते हो राइस आपको दिख रहा होगा राइस जैसा जो कि राइस नहीं है गाइस, ये मैंने पोहा लिया है जो कि बिल्कुल प्लेन पोहा होता है जिसको हम रिंस करके बनाते हैं ना उस तरीके का ही। साथ में मैंने चटनी ली थी होममेड एंड अनियन का सैलेड।